So, hello everyone, this is Mohit Pirthiani and welcome to our channel Mr. Lazy Tech. And this video is all about the best wireless earphones neckband which you can buy under 1500 rupees. Agar aapka budget 1500 rupees ya usse below hai. So, I'll let you know 5 best wireless earphones which are running successfully in the market this time based on the sound quality, bass quality, call quality and overall value for money. एंड मैं आपको रैंकिंग नहीं करने वाला हूँ कि फर्स्ट नंबर पे ये है या फिफ्थ नंबर पे वो है. मैं आपको टोटल 5 बताऊंगा जो कि बेस्ट चल रहे हैं इस टाइम पे. एंड ओवरऑल फंक्शनलिटी मैं रेट कर दूंगा आउट ऑफ 5, सो इट विल बी इजी फॉर यू टू बाय द बेस्ट वन. सो होप यू लाइक दिस वन. एंड इफ यू न्यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Coming to the first on the list, we have the Noise Tune Elite Sport Wireless Neckband and its price approximately 1100 rupees only. And at this price range, you will be getting Bluetooth version 5.0 with this one and it comes with IPX5 water and sweat resistant feature with it. And it's aapko 6mm ke dynamic drivers mil jayenge and it supports dual pairing as well. And you'll be getting approximately 10 hours of playtime on a single charge. So these were the specifications of the Noise Tune Elite Sport Neckband. एंड अगर हम बात करेंगे इसकी बिल्ड क्वालिटी, काफी अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी दी गई है. इसमें मोटे मोटे बटन दिए गए हैं, काफी इजी एक्सेसिबल है. सारे के सारे आप बटन कंट्रोल्स के थ्रू ही सारे फीचर्स एक्सेस कर सकते हैं. यू कैन प्ले, पॉज, आंसर कॉल, रिजेक्ट कॉल, नेक्स्ट ट्रैक, प्रीवियस ट्रैक, वॉल्यूम अप डाउन, एक्टिवेट द वॉइस असिस्टेंट फीचर सारे के सारे आप नेकबैंड के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं और काफी इजी एक्सेसिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. एंड अच्छा खासा लुक एंड फील दिया गया है इस प्राइस रेंज में. एंड अगर हम बात करेंगे साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी और कॉल क्वालिटी की, सो यार साउंड क्वालिटी इसमें काफी अच्छी दी गई है. आप फुल वॉल्यूम पे सुन सकते हैं बिना किसी डिस्टॉर्शन के. अगर आप म्यूजिक लवर हैं, इस प्राइस रेंज में आपको अच्छा खासा ये नेकबैंड मिल जाएगा. आप बिल्कुल 3-4 घंटे के लिए अगर डेली म्यूजिक सुनते हैं तो बिल्कुल आप अच्छे से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर म्यूजिक एंजॉय कर सकते हैं, अच्छे से बीट्स पकड़ पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. एंड काफी अच्छा खासा पावरफुल बेस भी दिया गया है. अगर आप बेस लवर हैं, आपको धमधम वाली फीलिंग अच्छी लगती है तो इस प्राइस रेंज में आपको वो मिल जाएगी. एंड कॉलिंग की बात करेंगे, कॉलिंग भी बिल्कुल परफेक्ट है. सामने वाला बिल्कुल क्लियरली सुन पाएगा आपको, थोड़ी बहुत बैकग्राउंड नॉइज आएगी उसको, बट जब आप मेनली बोलेंगे उससे बात करेंगे तो आपकी ही आवाज़ पर फोकस रहेगा. कॉलिंग को लेकर भी कोई इशू नहीं है. एंड अगर हम गेमिंग की बात करेंगे तो गेमिंग इसमें आपको एवरेज मिलेगी. मतलब अगर आप नॉर्मल गेम्स खेलते तो कोई दिक्कत नहीं लगने वाली है, हैवी गेम्स में आपको थोड़ा थोड़ा लैग फील होगा. बट अगर आप नॉर्मल गेम्स के लिए, अगर आप दिन भर, अगर आप कोर गेमर नहीं है, दिन में अगर आप 1-2 घंटा ही गेमिंग करते हैं तो आप इसको गेमिंग के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है. एंड अगर हम रेटिंग्स की बात करेंगे तो मैं इसको ओवरऑल रेटिंग्स दूंगा 4.4 out of 5 बेस्ड ऑन ओवरऑल फंक्शनलिटी ऑफ दिस नेकबैंड. एंड दिस इज नंबर फर्स्ट ऑन द लिस्ट, यू कैन से दैट इज अ नॉइस ट्यून एलीट स्पोर्ट नेकबैंड. Now coming to the second on the list, we have the Mozu Flexiband 500 wireless neck band and its price approximately 1300 rupees. And at this price range, you will be getting Bluetooth version 5.0 with this one. And इसमें आपको IPX4 water and sweat resistant feature मिल जाएगा, 8mm के dynamic drivers मिल जाएंगे. And इसमें आपको smart magnetic buds मिलने वाले हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसे work करते हैं. And you will be getting 160mAh of battery with it, which will provide you up to 10 hours of playtime on a single charge. So these were the specifications of the Mozu Flexiband 500 wireless neckband. And ये एकमात्र neckband है जिसमें आपको magnetic lock के साथ special functions मिल जाएंगे. जितने भी मैं आपको neckband बता रहा हूँ, wireless earphones बता रहा हूँ, सब में आपको magnetic locks मिलेंगे, but यही एकमात्र earphone है जिसमें आपको special function मिलेगा. For example, आपका neckband connected है आपके phone से, आप ऐसे बैठे हुए आराम से, आपका call आ रहा है, आपको simply call pick करने के लिए इसको ऐसे हटा देना है तो automatic call pick हो जाएगा, आप बात करिए आराम से, फिर आप वापस neckband को, ये buds को वापस ऐसे मैग्नेटिक लॉक कर देंगे तो कॉल रिजेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक. एंड अगर आप म्यूजिक प्ले कर रहे हैं, आप गाने चल रहे हैं, आप इसको वापस लगा देंगे तो म्यूजिक पॉज हो जाएगा. सो ये स्पेशल फंक्शन दिया गया है इस प्राइस रेंज में जस्ट 1300 रुपीस में, बाकी किसी नेकबैंड में इस प्राइस रेंज में नहीं आता है. सो काफी अच्छे से वर्क करता है एंड ये काफी लाइट वेट है, बहुत ही हल्के फुल्के नेकबैंड है. अगर आप गले में लगाएंगे तो आपको लगेगा नहीं आपने अपने नेक में कुछ लगाया हुआ है. एंड इसका गिव अवे भी चल रहा है, मैं इसका गिव अवे कर रहा हूँ ऑलरेडी. अगर आपको गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है तो यहाँ पे दिए गए लिंक पर आप वीडियो पे जाके चेक कर सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं. एंड अगर हम बात करेंगे अब इसकी साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी और कॉल क्वालिटी की, सो साउंड क्वालिटी इसमें बहुत ज़्यादा लाउड नहीं दी गई है, फुल वॉल्यूम पे सुन सकते हैं और अच्छी खासी क्लैरिटी दी गई है साउंड में. अच्छे से आप म्यूजिक लेफ्ट राइट अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे, एक एक बीट अच्छे से पकड़ पाएंगे और बेस भी इसमें अच्छा खासा, ओवर पावरफुल पंचिंग नहीं है पर अच्छा खासा डिसेंट अमाउंट का गुड बेस है. जैसे बोलते हैं ना कि आपको जितना बेस सुनना पसंद है, ज़्यादा ओवर पावरफुल भी कभी कभी कानों में बिल्कुल धमधम करता है तो अच्छा ही लगता है, पर अच्छी खासी इसमें बेस इफेक्ट भी दी गई है. एंड कॉलिंग की बात करेंगे, कॉलिंग भी इसमें काफ़ी हद तक अच्छी दी गई है. सामने वाला बिल्कुल क्लियरली सुन पाएगा, आप बिल्कुल गाड़ी चलाते हुए कैसे भी कहीं पे भी आउटडोर कंडीशन में भी अच्छे से कॉलिंग इससे आप प्रेफर कर सकते हैं, कॉलिंग को लेके भी कोई दिक्कत नहीं है. एंड नॉर्मल गेम्स भी खेल सकते हैं, हैवी गेम्स में थोड़ा बहुत आपको लैग फील हो सकता है बट नॉर्मल गेम्स में कोई ऐसा लैग फील नहीं होगा तो आप इसको एवरेज गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं.
और रेटिंग्स की बात करेंगे तो मैं इसको रेट करूंगा 4.3/5 बेस्ड ऑन द ओवरऑल फंक्शनलिटी ऑफ दिस नेक बैंड एंड दिस इज नंबर सेकंड ऑन द लिस्ट दैट इज द मोजू फ्लेक्सीबैंड 500 एट दिस प्राइस रेंज. Now coming to the third on the list, we have the Boat Rockers 205 V2 wireless earphones and its price is approximately 1300 rupees and at this price range you will be getting Bluetooth version 5.0 with this one and it comes with IPX5 water and sweat resistant feature with it and isme aapko 10mm ke dynamic drivers mil jayenge and isme aapko dual pairing ka option bhi mil jayega and you will be getting approximately 20 hours of playtime on a single charge and supports fast charging as well. So just by charging 10 minutes you will be getting approximately 10 hours of playtime with this one they have claimed. So these were the specifications of the Boat Rockers 205 V2. और अगर आप वीडियो के यहाँ पे पहुंच चुके हो तो अब एक लाइक कर दो अगर नहीं किया है तो आपने. थैंक यू. एंड अगर हम बात करेंगे इसके लुक एंड फील की, काफी अच्छा खासा फंकी लुक एंड फील दिया गया है इसमें. कलर कॉम्बिनेशन काफी अच्छा खासा दिया गया है एंड बटन कंट्रोल्स भी सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. यू कैन प्ले पॉज, आंसर कॉल, रिजेक्ट कॉल, नेक्स्ट ट्रैक, प्रीवियस ट्रैक, वॉल्यूम अप डाउन, वॉइस एसिस्टेंट फीचर सारे के सारे आप बटन के थ्रू ही कर सकते हैं. एक और बटन एक्स्ट्रा दिया गया है दैट इज द बैलेंस मोड और बेस मोड में स्विच करता है, जो काफी अच्छा फीचर है. बैलेंस मोड और बेस मोड में आप एक सिंगल बटन से स्विच कर सकते हैं. एंड अगर हम गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो गेमिंग इसमें एवरेज है, आपको ठीक ठाक गेमिंग मिलेगी, बहुत अच्छी गेमिंग नहीं मिलेगी. तो हो सकता है आपको काफी लैग फील हो कहीं ना कहीं. गेमिंग के लिए मैं बोलूंगा एवरेज है, अब एवरेज बोल सकते हैं, बट अच्छा खासा गेमिंग एक्सपीरियंस आपको इसमें थोड़ा बहुत मिसिंग लगेगा. एंड बात करेंगे साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी और कॉल क्वालिटी की. साउंड क्वालिटी इसमें काफी अच्छी खासी दी गई है, आप सुन सकते हैं फुल वॉल्यूम पे, कोई दिक्कत नहीं लगेगी आपको. मेनली अगर आप इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, आपको बिल्कुल छन छन की आवाज़ें अच्छी लगती हैं, इंस्ट्रूमेंट्स जो बजते हैं उनको आपको अच्छे से फील करना है, तो आप इसको म्यूजिक मेनली इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के लिए कंसिडर कर सकते हैं. और बेस इसमें यार डिसेंट दिया गया है, मैं पावरफुल और पंचिंग जो बोलते हैं ना कि धमधम वाली फीलिंग, वो इसमें काफ़ी हद तक मिसिंग है. डिसेंट बेस है, ठीक ठाक अबव एवरेज बेस क्वालिटी बोलूंगा मैं, मेरे को बेस इसमें ठीक लगा, उतना अप टू द मार्क नहीं लगा. एंड कॉलिंग की बात करेंगे, कॉलिंग इसमें परफेक्ट दी गई है, सामने वाला बिल्कुल क्लियरली सुन पाएगा बिना किसी बैकग्राउंड नॉइस के, मेनली आपको ही सुन पाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं लगी कॉलिंग को लेकर. कॉलिंग को मैं परफेक्ट बोलूंगा और मैं रेटिंग्स करूंगा आप. सो ओवरऑल मैं फंक्शनलिटी को रेट करूंगा 4.2/5 बेस्ड ऑन द ओवरऑल फंक्शनलिटी ऑफ दिस ईयरफोन्स दैट इज नंबर थर्ड ऑन द लिस्ट दैट इज द Boat Rockers 205 V2 एट दिस प्राइस रेंज. Now coming to the fourth on the list, we have the Wings Elevate Wireless Neckband and its price is approximately 1400 rupees and at this price range you will be getting Bluetooth version 5.0 with this one and IPX5 water and sweat resistant feature with it and its about 10mm ke neodymium drivers mil jayenge and it supports dual pairing as well and you'll be getting approximately 10 hours of playtime on a single charge and isko charge karne mein approximately 1 hour lagta hai and it supports fast charging. So they have claimed just by charging 20 minutes you'll be getting approximately 4 hours of playtime with these earphones. So these were the specifications of the Wings Elevate Wireless Neckband. अगर हम बात करेंगे इसके लुक एंड फील की, काफ़ी अच्छे खासे दिखने में, बड़े थोड़े बहुत बल्की लगते हैं बट काफ़ी लाइट वेट हैं. कलर कॉम्बिनेशन अच्छा खासा दिया गया है, बिल्कुल अच्छा खासा डिसेंट फील लुक एंड फील आता है इस प्राइस रेंज में. एंड अगर हम गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करेंगे, गेमिंग आपको अबव एवरेज मिलेगी. वह देखा जाए तो इस प्राइस रेंज में आपको गेमिंग उतनी अप टू द मार्क नहीं मिलेगी, बिना लैग के आपको गेमिंग नहीं मिलने वाली इस प्राइस रेंज में. अगर आप ज़्यादा मनी इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है आपको हाई एंड में जो नेकबैंड्स होते हैं उनमें या वायरलेस ईयरफोन्स होते हैं उनमें आपको अच्छी गेमिंग एक्सपीरियंस मिल जाए, बट इस प्राइस रेंज में आपको अबव एवरेज गेमिंग एक्सपीरियंस ही मिलेगी, उतनी खास गेमिंग एक्सपीरियंस आपको किसी में भी नहीं मिलने वाली है अकॉर्डिंग टू मी. एंड अगर हम बात करेंगे इसकी साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी और कॉल क्वालिटी की, सर साउंड क्वालिटी इसमें बहुत ज़्यादा लाउड दी गई है, आप फुल वॉल्यूम पे हो सकता है प्रेफर नहीं करें. अगर आप लाउडनेस सुनना पसंद करते हैं तो ठीक है, बट अगर आप इसको 70-80% वॉल्यूम पे सुनेंगे यू विल गेट द बेस्ट एक्सपीरियंस. एंड अच्छा खासा म्यूजिक एक्सपीरियंस भी दिया गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. एंड अगर हम बेस क्वालिटी की बात करेंगे, इसमें बहुत पावरफुल और पंचिंग बेस तो नहीं दिया गया है, बट अच्छा खासा डिसेंट अमाउंट का हल्की फुल्की धमधम वाली फीलिंग आती है, आप इसको बेस के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं. अच्छा खासा बेस इफेक्ट भी दिया गया है एंड कॉलिंग परफेक्ट है, कॉलिंग के लिए आप इसको डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. सामने वाला बिल्कुल आप अच्छे से सुन पाएगा, कॉलिंग इसमें परफेक्ट दी गई है. अब हम ओवरऑल रेटिंग्स करेंगे, सो आई वुड रेट 4.3/5 बेस्ड ऑन द ओवरऑल फंक्शनलिटी ऑफ दिस नेकबैंड दैट इज नंबर फोर्थ ऑन द लिस्ट दैट इज द Wings Elevate नेकबैंड एट दिस प्राइस रेंज. Last but not the least, coming to the fifth on the list, we have the Boat Rockers 255 Pro and its price approximately 1500 rupees and at this price range, you will be getting Bluetooth version 5.0 with this one and इसमें आपको 1 hour का charging time मिलेगा which will provide you 6 hours of playtime on a single charge and ये fast charging support करता है. You will be getting approximately 4 hours of playtime just by charging 20 minutes and इसमें आपको noise cancelling feature भी मिल जाएगा and it comes with IPX5 water and sweat resistant feature with it. So these were the specifications of the Boat Rockers 255 Pro. काफी अच्छे से मार्केट को ग्रैब किया हुआ इन्होंने, अभी भी काफी टाइम चल रहे हैं, अभी भी अच्छे से ग्रैब किया हुआ मार्केट को, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं. इसकी साउंड क्वालिटी काफी अच्छी दी गई है, अगर आप म्यूजिक लवर हैं तो आपको इस प्राइस रेंज में काफी अच्छा खासा म्यूजिक एक्सपीरियंस मिल जाएगा. काफी लाउडनेस दी गई है, फुल वॉल्यूम पे आप सुन सकते हैं बिना किसी डिस्टॉर्शन के. काफी अच्छा खासा बेस इफेक्ट भी दिया गया है, काफी जो बोलते हैं ना कि पंचिंग और पावरफुल बेस धमधम वाली फीलिंग इसमें आपको काफी हद तक अच्छी आएगी. बेस के लिए भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है.
एंड अगर हम कॉलिंग की बात करेंगे, कॉलिंग इसमें आपको परफेक्ट मिल जाएगी, सामने वाला बिल्कुल क्लियरली आपको सुन पाएगा, बैकग्राउंड नॉइज हल्की फुल्की आएगी बट आपकी ही आवाज़ पे फोकस रहेगा, आप कॉलिंग के लिए भी इसको प्रेफर कर सकते हैं। एंड गेमिंग आपको नॉर्मल गेम्स में आपको कोई दिक्कत नहीं लगेगी, लैग फील नहीं होगा, हैवी गेम्स में आपको हो सकता है थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं लैग फील हो, सो अबव एवरेज गेमिंग एक्सपीरियंस बोलूंगा इसमें मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया इस प्राइस में आपको ऐसा ही मिलेगा। सो ओवरऑल फंक्शनलिटी की बात करेंगे रेटिंग्स की, सो आई वुड रेट 4.4 आउट ऑफ 5 बेस्ड ऑन द ओवरऑल फंक्शनलिटी ऑफ दिस ईयरफोन्स एंड दिस इज नंबर 5th ऑन द लिस्ट, दैट इज द बोट रॉकर्स 55 प्रो एट दिस प्राइस रेंज। और जितने भी मैंने आपको ईयरफोन्स बताया, वायरलेस नेकबैंड बताया, सब में आपको यहाँ पे मैग्नेटिक लॉक्स मिल जाएंगे ताकि आपके गले में अच्छे सिक्योरली फिट रहें, लटके रहे अच्छे से, इधर उधर भटके नहीं, एंड आपको यहाँ पे सिक्योर फिट मिल जाएगा, कानों में आप अच्छे से बिल्कुल इसको लगा पाएंगे, सिक्योरली फिट होते हैं, इधर उधर आपको गिरेंगे नहीं, बिल्कुल गिरने के चांसेस नहीं, अच्छे से लॉक हो जाते हैं, आप वर्कआउट्स के टाइम, जिम के टाइम, रनिंग के टाइम, कुछ भी टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड सारे के सारे ईयरफोन्स और नेकबैंड्स के मैंने डिस्क्रिप्शन बार में लिंक दे दिए, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत हो किसी भी ईयरफोन्स को लेकर, यू कैन लीव मी इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट विद दैट। So this was all about the 5 best wireless neckband which you can buy under 1500 rupees at this price range, and it's totally your decision which you want to opt for. Hope you like this one, and as I told you, if you are new to our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible so we can make more good stuff for you all. So thank you for watching this one and see you in the next video. Thank you.